बधाई दे दीजिए दर्शकों को दशहरे। अरे बहुत बहुत बधाई हो पूरी दर्श नवरात्रि और दशहरे की सभी आप सबको शुभकामनाएं। अच्छा, तो एक बुराई पर अच्छाई का प्रतीक हमारे शास्त्र और हमारे शस्त्रों द्वारा, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी कहा था कि सिर्फ शास्त्र से लंका को नहीं जीता जा सकता या रावण को नहीं हराया जा सकता, तो आवश्यक था ये शस्त्र पूजा का। अरे क्यों आवश्यक नहीं है, शस्त्र की पूजा हमेशा होती आई है, पूर्वजों ने किए, परंपरा से चली जा रही, आज भी होगी। देश में अभी भी इंसान के रूप में कहीं और रावण अभी हैं अपने धरती पे जो गलत काम कर रहे हैं, और उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी राम भगवान हैं जो उनका नाश करेंगे आगे जाके। शस्त्र का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शस्त्र के बिना इंसान नपुंसक है एक तरह से। ये तो पागलपंती है मेरे हिसाब से, पुतला जलाने से कहाँ बुराइयाँ ख़त्म हुई, बुराइयाँ ख़त्म करनी तो अपने अंदर की करो ना। अच्छा, शस्त्र पूजा तो एक तरह से हम क्षत्रियों का सबसे बड़ा शस्त्र है, और आज के समय में जो बांग्लादेश में और देशों में चल रहा है, गलत वे में ना लो कि आप शस्त्रों की पूजा कर रहे हो तो किसी पे अत्याचार के रूप में लो या किसी को डराने के रूप में, आप अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए जरूर इसका उपयोग। हर घर में पूजा होनी चाहिए शस्त्रों की, और हर घर शस्त्र भी होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज 18 लोकल मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनुराग पांडे, और नवरात्रि का समापन आज हो रहा है, आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये उत्सव आज पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक अनोखा ऐलान किया था, उन्होंने उनके ऐलान के बाद कहा गया था कि प्रदेश भर में पूरे मध्य प्रदेश में शस्त्र और शास्त्र की पूजा की जाएगी, जिसके बाद आज हर थाने, हर कस्बे में, हर पंचायत में हर सरपंच और हर जनप्रतिनिधि शस्त्र और शास्त्र पूजा करेगा। इसको लेकर आइए, जनता क्या बोलती है, कैसा फैसला है, और क्या सरकारी तंत्र में किसी एक धर्म की बात घुसेड़ना सही है कि नहीं, तो सीधे जनता से जानेंगे जनता इस मुद्दे पर क्या अपनी राय रखती है। देखिए, शस्त्र पूजा का कितना महत्व है हिंदू धर्म में और दशहरे के दिन कितना महत्व, आइए जानते हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं। जी पंडित जी, क्या नाम लिखते हैं? प्रभात बैरागी। अच्छा, आज शस्त्र पूजा का है, दशहरा मनाया जा रहा है, क्यों मनाई जाती है शस्त्र पूजा, क्यों की जाती है? दशहरा आप जानते हैं, स्वयं श्री राम जी ने रावण का दहन किया था, तो रावण दहन की एक स्मृति रखने के लिए कि भाई एक दिन, इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत थी, तो एक बुराई पर अच्छाई का प्रतीक हमारे शास्त्र और हमारे शस्त्रों द्वारा, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी कहा था कि सिर्फ शास्त्र से लंका को नहीं जीता जा सकता या रावण को नहीं हराया जा सकता, तो कहीं ना कहीं शास्त्र और शस्त्र दोनों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए शस्त्र पूजा भी की जाती है। क्या है, दशहरा ही एक वो दिन था जिस दिन रावण का वध हुआ था, क्योंकि 9 दिन की बाद जो युद्ध चला, और आखिरी दिन यही था जिस दिन विभीषण के द्वारा बताया गया और फिर प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, तो वो दशहरा का ही दिन था तिथि के हिसाब से हमारे। जैसे आप शस्त्रों की अलग पूजा कर रहे हैं, आप उनको एक महत्व अलग दे रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस चीज़ में, सम्मान स्वरूप, क्योंकि उनका सम्मान किया जाता है, कि अगर वो नहीं होते तो एक तरीके से असंभव था रावण को हराना या बुराई को हराना, क्योंकि स्वयं शास्त्र से तो भगवान नहीं समझा सकते। डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि प्रदेश भर में हर जगह शास्त्र और शस्त्र पूजा की जाएगी, कैसे मानते हैं इस फैसले को? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मैं तो और बल्कि बढ़ावा देता हूँ कि हमारे धर्म को आप बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। सरकारी तंत्र में आप एक धर्म की चीज क्यों चढ़ रहे हो? ये लोगों के अपना अपना मानना है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, तो जिन लोगों को अच्छा लगता है वो बढ़ावा देते हैं, जिन लोगों को बुरा लगता है तो वो तो अच्छी चीज़ों में भी बुराई ढूंढ लेते हैं, तो ये अच्छी चीज़ें करनी चाहिए इस वे में, नहीं कि आप उसको गलत वे में ना लो कि आप शस्त्रों की पूजा कर रहे हो तो किसी पे अत्याचार के रूप में लो या किसी को डराने के रूप में, आप अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए जरूर उसका उपयोग, सम्मान देने के लिए शास्त्रों को पूजा कीजिए। जी सर, क्या नाम लिखते हैं? अर्पित राठौर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? भोपाल से। दशहरा आज कैसे मनाने वाले हैं, नवरात्रि कैसी गई आपकी? नवरात्रि बहुत अच्छी गई, जैसे हर साल जाती है। अच्छा, बिल्कुल माता की भक्ति में लीन थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाजू में ही ऑफिस है। अच्छा, डेली पूजा होती है, आते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं की पुतला भी जलाएं, लेकिन उसके साथ हमारे अंदर की बुराइयां भी जलाएं। बुराइयां भी अपने अंदर की जो हटानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है दशहरे का, और इससे अपन को ये सीख मिलती है, हर साल दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि अपन रावण को जलाते हैं, ऐसे ही इंसान में भी है, और इंसान भी गलत काम करता है तो उसको भी बुराइयां हटानी चाहिए, और राम जी आगे जाके सर्वनाश तो करेंगे। अच्छा, आप भी करते हैं घर में शस्त्र पूजा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फैसला दिया है कि पहली बार पूरे प्रदेश भर में हर जगह शास्त्र और शस्त्र पूजा की जाएगी, कैसे मानते हैं इस फैसले को? अच्छा है, हर साल होनी चाहिए शस्त्रों की पूजा, बहुत अच्छा है, आगे के लिए कुछ सोच समझ के ही अपने CM साहब ने बोला है, तो ये बहुत ज़रूरी भी है। हर घर में पूजा होनी चाहिए शस्त्रों की, और हर घर शस्त्र भी होना चाहिए, बिल्कुल हर घर में होना चाहिए, हिंदू हर घर में होना चाहिए। अच्छा, क्यों इसकी ज़रूरत लगती है आपको कि हर घर में शस्त्र होना ही चाहिए?
अब सर आप माहौल देख रहे हैं कैसा चल रहा है, उस हिसाब से सबको शस्त्र रखना चाहिए, खासकर लेडीजों को शस्त्र रखना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि सीएम के पास कुछ है नहीं, तो वो तो बस कोई भी ऑर्डर निकाल के टाइम पास कर रहे हैं। नहीं नहीं, टाइम पास नहीं है, वो सही निर्णय है जो भी सीएम का है और इसको अमल करना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल शस्त्र पूजा का जो महत्व बताया काका। राम राम। राम राम साहब। राम राम। कहाँ के रहने वाले हो? अपन चकलौद के। सर चकलौद के? जी। भोपाल निवासी? क्या करते हैं आप? हम तो सिंगाड़े का धंधा करते हैं। सिंगाड़े का, मछली का? भाव चल रहा है अभी? अभी चल रहा है 30 का 250, आधा किलो 50 का। अच्छा, मतलब काला वाला ना? अच्छा, मैं समझ नहीं पाया। जी जी हाँ, चकलौद का तालाब है, मछली भी है उसमें, हम लोग सिंगाड़े भी लगाते हैं। अच्छा, और परेशानी भी आ जाती है कभी कभी, मगर सब। तो कैसा चल रहा है, मुनाफे में हो घाटे में हो? नहीं नहीं, मुनाफा मिल जाता है, माता की कृपा से मुनाफा है। जी, मैया की कृपा से, बब्बा की कृपा से हमको। आज मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि प्रदेश भर में हर पंचायत में हर थाने में शस्त्रों की पूजा की जाए, बंदूकों की, तलवारों की। जी जी जी। कैसा फैसला है? बिल्कुल है फैसला, सही फैसला है। अच्छा जी, बिल्कुल करी जाए। अच्छा, की जानी चाहिए। जी। तो देखिए, गांव के आदमी हो या शहर के आदमी, सभी का शस्त्र और शास्त्र पूजा को लेके तो बहुत महत्व है कि किया जाना चाहिए। देखिए, युवा हैं, युवाओं में शस्त्र को लेके बहुत क्रेज रहता है, बंदूक हो गई, तलवार हो गई। क्या नाम लिखते हो? प्रशांत बैरागी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं भोपाल के ही हूँ प्रॉपर। अच्छा जी। क्या करते हो आप इस समय? मंदिर पर पूजा भी करता हूँ। क्या बात है जी। तो अच्छा, पूजा करने के लिए क्या शास्त्री की डिग्री अनिवार्य है कि कोई भी स्टार्ट? नहीं, देखिए ये अपने मन के भाव है, अपनी श्रद्धा है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको उस चीज का अध्ययन ही करना है, ये अपने मन के भाव है कि अपन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु क्या सही करते हैं? पुतला जलाने से बुराइयां खत्म हो सकती है? ये तो पागलपंती है मेरे हिसाब से। पुतला जलाने से कहाँ बुराइयां खत्म हुई? बुराइयां खत्म करनी है तो अपने अंदर की करो ना। अच्छा जी, आज मुख्यमंत्री ने शस्त्र पूजा का कहा है कि प्रदेश भर में पहली बार हर जगह शस्त्र पूजा की जाएगी, चाहे वो पंचायत हो या फिर थाना हो। कैसा ये फैसला? ये फैसला, ये समझ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है अपने हिंदुत्व के लिए, और इससे सबकी सुरक्षा है, आपकी भी है, मेरी भी, और अपने घर की जो बेटी है ना, जो अपने आप देख ही रहे हो इतने अत्याचार हो रहे हैं, और वो अत्याचार खत्म हो जाएंगे इससे शस्त्र पूजा से। मेरी उम्र के लोग जो हैं वो सामने तो आएंगे, कम से कम जो अंकल हैं भैया हैं, कम से कम ये तो आगे आएंगे, जो पीछे खड़े हैं वो तो आगे आ ही जाएंगे इस फैसले से। बिल्कुल। तो देखिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं भैया? अशोक ठाकुर। सही थी, आज दशहरा है और मुख्यमंत्री का एक फैसला आता है, पहली बार आया जब गजब कि दशहरे में शस्त्र पूजा की जाएगी। जी, कैसे मानते हैं इस फैसले को, जरूरत थी इस फैसले की? शस्त्र पूजा तो एक तरह से हम क्षत्रियों का सबसे बड़ा शस्त्र है, और आज के समय में जो बांग्लादेश में और देशों में चल रहा है, सबसे बेस्ट तो हमारा देश भारत देश है, जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे शस्त्र पूजा का जो है, और शत्रुओं को जो रावण पे विजय पाई है श्री राम जी ने, और उससे पूरे देश को और पूरा संसार सागर को इस चीज़ का अपन को गौरव है, फक्र है कि हमारे देश में ऐसे शूरवीर क्षत्रिय और जन्म लिए और लेते रहेंगे। शस्त्र का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शस्त्र के बिना इंसान नपुंसक है एक तरह से, क्योंकि अगर अपना भी बचाव रखेगा तो उसको शस्त्र उठाना पड़ेगा, अत्याचार के खिलाफ तो बहुत ही उससे उठाना पड़ेगा, ताकि आज जो बहु बेटियां जो भी हैं, माताएं बहनें हैं, सुरक्षित हो सकें, उनके लिए भी शस्त्र मायने रखते हैं आज के समय में। क्षत्रियों का शस्त्र की पूजा करना एक बड़ा महत्व होता है, बाकी अब लोग अपनी अपनी दृष्टि जैसा भी अपना माने उसको बात अलग अलग विचार है। तो आवश्यक था ये शस्त्र पूजा का? अरे क्यों आवश्यक नहीं है, शस्त्र की पूजा हमेशा होती आई है, पूर्वजों ने किए, परंपरा से चली जा रही, आज भी होगी। अब ये आज के परिवेश की बात अलग है, क्योंकि आज दिमाग से काम होता है, तकनीक से काम होता है, लेकिन शस्त्र की पूर्वजों से चली आ रही है, नियम और संयम इसके लिए जरा थोड़ा शिथिल कर दिया गया है। बधाई दे दीजिए दर्शकों को दशहरे। अरे बहुत बहुत बधाई हो, पूरी दर्श नवरात्रि और दशहरे की सभी आप सबको शुभकामनाएं।